महीनों बाद कथा लाया है आप सभी के खातिर, अनकही कहानी। स्वयं नोएडा सेक्टर 62 में एक जूनियर इंजीनियर था। पिछले महीने ही उसका प्रमोशन हुआ, जिसके बाद एक परमानेंट एम्प्लॉय की हैसियत से उसने इस कंपनी को कंटिन्यू किया। स्वयं बहुत खुश था। आखिरकार परमानेंट होने की खुशी क्या होती है, यह तो स्वयं ही बेहतर जानता था। संडे को अपना वीकेंड एंजॉय करने के बाद मंडे स्वयं अपने ऑफिस आया। रोजाना 9 to 5 की सर्विस से स्वयं पूरी तरह पक चुका था। हैरानी की बात तो यह थी कि तकरीबन 4:30 बजे उसके सीनियर मैनेजर ने उसे नाइट लगाने के लिए कहा। यह सुनकर स्वयं को थोड़ा गुस्सा तो आया, मगर एक चेंज के खातिर उसने कहा कि चलो अच्छा ही हुआ। रात तकरीबन 11 बजे स्वयं अपनी डेस्क पर बैठ काम कर रहा था। काम में स्वयं इतना मसरूफ था कि उसे पता ही नहीं चला कि 11 कब बज गए। एक ब्रेक लेकर स्वयं कॉफी पीने के लिए उठा तो तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आई, जैसे उसके उठने के बाद भी उसके लैपटॉप पर कोई कुछ टाइप कर रहा हो। स्वयं झट से पीछे की ओर मुड़ा तो सभी ठीक था, बस ऑफिस की आबोहवा में उसने थोड़ी ठंडक महसूस करी। थकान से चूर स्वयं ऑफिस की कॉफी मशीन के पास गया तो जैसे ही उसने कॉफी बटन प्रेस किया तभी उसको फिर उसके लैपटॉप पर किसी के टाइप करने की आवाज आई। अचानक ही ऑफिस की लाइट्स बंद हो गई। लाइट जाते ही स्वयं जोर से चलाया। स्वयं घबराहट के मारे अंधेरे में इधर उधर भाग रहा था और इसी कारण लड़खड़ा कर वो सीधा नीचे जमीन पर गिर गया। स्वयं के गिरने के साथ ही लाइट वापस आ गई। रोशनी होने के बाद खुद को संभाल स्वयं अपनी डेस्क पर वापस आ गया। वापस तो आया, मगर इस दफा स्वयं का चेहरा घबराहट के मारे पीला पड़ गया था। स्वयं के कान में पड़ी टाइपिंग की वो आवाजें बिल्कुल ठीक साबित हुई, क्योंकि पिछले 1 घंटे में ऑफिस के अंदर स्वयं के साथ जो जो हुआ वो सब स्वयं के लैपटॉप पर किसी ने टाइप किया था। स्वयं पसीना पसीना हो आसपास खामोशी से देखते हुए बाहर भागने की हिम्मत कर ही रहा था कि तभी ऑफिस की लाइट्स ऑन ऑफ होनी शुरू हो गई। स्वयं इतना घबरा चुका था कि अब तो दौड़ने भागने के लिए भी पैरों में जान तक नहीं बची थी उसके। और बस अचानक ही किसी ने कंधे पर हाथ रख स्वयं से कहा, योर ड्यूटी इज ओवर स्वयं। इस बार स्वयं चीखता चिल्लाता दौड़ता हुआ ऑफिस से किसी तरह भागने का मौका ढूंढ ही रहा था और हर जगह बिल्डिंग के हर कोने में एक ही आवाज गूंज रही थी, योर ड्यूटी इज ओवर स्वयं, योर ड्यूटी इज ओवर स्वयं, योर ड्यूटी इज ओवर स्वयं। फाइनली स्वयं किसी तरह अपनी जान बचाकर ऑफिस से बाहर निकल आया और एक सुकून की सांस लेकर एक टैक्सी लेने के लिए आगे बढ़ा। एक टैक्सी वाले को अपना एड्रेस बता स्वयं टैक्सी में बैठ गया। 2 मिनट बाद ही ड्राइवर बोला, साहब ड्यूटी पूरी हो गई। स्वयं समझ चुका था कि वो इस दफा पूरी तरह फंस चुका है। तभी उस ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए ही अपने गर्दन स्वयं की तरफ घुमाई और एक जोर का धक्का मार स्वयं को बाहर फेंक दिया। उस रात नोएडा सेक्टर 62 में जो कुछ हुआ उसके बाद स्वयं की जान तो बच गई, मगर आज भी स्वयं इस बात से अनजान है कि आखिरकार उस रात स्वयं के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दरअसल नोएडा सेक्टर 62 का वो ऑफिस जहां स्वयं काम करता था वो एक कब्रिस्तान पर बना था, जो शहर के मॉडर्नाइजेशन के कारण खत्म हो गया।
इस शहर ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कब्रिस्तान तो खत्म कर दिया, मगर उन प्रेतात्माओं को कैसे खत्म करते जिनका वास सैकड़ों सालों से उन्हीं कब्रिस्तान में है। शायद आज भी इसलिए नोएडा का स्टाफ यहां नाइट ड्यूटी करने से कतराता है, और शायद आज भी वो तमाम प्रेतात्माएं और रूहें रात के समय एक मिनान की तलाश में किसी को अपने आसपास भटकने देना नहीं चाहती। क्या आपसे कभी किसी टैक्सी ड्राइवर ने पूछा है कि साहब ड्यूटी पूरी हो गई?